संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का रिलीज डेट आखिरकार फाइनल हो गया है। अनगिनत विवादों के बाद फिल्म के टाइटल और कई बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है और अब यह फिल्म 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर आएगी। रविवार को सभी मीडिया हाउस ने इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन अमर उजाला टीवी ने दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की इस फिल्म के रिलीज डेट की खबर आपको शुक्रवार यानी 5 जनवरी की सुबह ही दे दी थी। इससे पहले फिल्म को 1 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन बढ़ते विवाद के कारण इसे टाल दिया गया। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म दिखाने के लिए एक पैनल बनाया जिसमें इतिहासकार भी मौजूद थे। स्क्रीनिंग के बाद फिल्म में कई संशोधन किए गए और फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया। अब आपको बताते हैं फिल्म में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फिल्म में एक डिस्क्लेमर लगाया गया है, साथ ही फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया है। फिल्म के फेमस गाने घूमर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। फिल्म में दिखाए गए गलत और भ्रमित करने वाले ऐतिहासिक स्थलों में भी बदलाव किया गया है। इस फिल्म के रिलीज डेट से अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अय्यारी की रिलीज डेट को भी टाल दिया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।